वट सावित्री व्रत 2023 सुहागिनों का खास पर्व वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या और पूर्णिमा के दिन रखा जाता है। ज्येष्ठ माह की अमावस्या पर पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं। नारद पुराण में इसे ब्रह्म सावित्री व्रत भी कहा गया है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के साथ बिना कुछ खाए पिए निर्जला व्रत करती हैं। इस साल वट सावित्री अमावस्या व्रत पर शनि देव को प्रसन्न करने के खास संयोग बन रहे हैं, क्योंकि इसी दिन शनि जयंती भी है। आइए जानते हैं वट सावित्री पूर्णिमा की तिथि, शुभ योग, मुहूर्त और पूजा विधि। वट सावित्री अमावस्या 2023 कब है, आइए इसके बारे में विशेष तौर पर जान लेते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि यानी 18 मई 2023 को रात 9:42 से प्रारंभ होगी और 19 मई 2023 को रात 9:22 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार अमावस्या पर वट सावित्री व्रत 19 मई 2023 को रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत 2023 का शुभ योग क्या है? ज्येष्ठ अमावस्या पर वट सावित्री व्रत के साथ शनि जयंती का भी पर्व मनाया जाएगा। खास बात यह है कि इस दिन शनि देव स्वस्थ राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे, जिसे शश योग बन रहा है। ऐसे में शनि देव की पूजा से शुभ फल की प्राप्ति होगी। वट सावित्री अमावस्या के दिन शोभन योग भी रहेगा। इसके साथ इस दिन चंद्रमा गुरु के साथ मेष राशि में होंगे, जिससे गज केसरी योग बन रहा है। इस खास योग में पूजा व्रत से साधक को मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वट सावित्री व्रत रखने की सही विधि क्या है? वट सावित्री व्रत रखने के लिए महिलाएं सूर्योदय से पहले उठें और पहले स्नान कर पूजा की तैयारी करती हैं, भोग बनाती हैं, 16 श्रृंगार कर शुभ मुहूर्त में स्त्रियां बरगद के पेड़ के नीचे भगवान शिव पार्वती और गणेश की पूजा अर्चना करती हैं। इसके बाद उस पेड़ को पानी से सींचती हैं, फिर वट वृक्ष पर सूती धागा लपेटती हैं, 11 या 21 बार पेड़ की परिक्रमा करते हुए धागा लपेटती हैं, अंत में सौभाग्य की चीज़ों का दान करती हैं। तो भक्तगण, ये थी वट सावित्री 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण सभी प्रकार की जानकारियाँ। आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और नए श्रोतागण कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का ये महत्वपूर्ण जानकारी सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।